हसीन मोहब्बत भरी तालियों में तशरीफ लाएंगी मोहतरमा फरीहा परवे। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। फरिया 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 अस्सलामुअलैकुम। अब मुझे गा के आप जवाब देना। आपसे मैंने जितनी बात करनी गा के करनी है। गा के करेंगे बातें और कैसे कटेंगी रातें ला 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 नी रा ला। मुझे मैं बड़ी बड़ा गंदा कंपोजर तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं हूँ, तो मैं कैसे बनाऊंगी इसकी मेलोडी। कहो कुछ भी कहो गा के कहो ना गाओ ना। पूछे ना ये मेरी बातें बूझू ना, तुम्हारी इजाजत हो तो कह दू ना तेरी मेरी बातें तेरी मेरी मन की बातें। क्या कहूँ मैं, चले जाओ तुम वापस चले जाओ। दोबारा से बुलाता हूँ अफसाना निगार टीचर कम गो कम सिन फरिया परवेज। कोई सजन बान सजना वजना कुछ नहीं, नथिंग। भाई गाना तो तुम गाती हो ना, पर गा के क्यों नहीं बात कर रही हो, क्या है? क्या कहूँ माँ, हाल तो नहीं पूछते ना गाने में, कैसे हाल पूछता है? आज बता दें आप हाल। चलो एक बात बताओ जी, कब आई तुम लाहौर से कराची? मैं कल आई थी। तुम कल आई थी, क्या खा के आई थी, क्या घर से सो के आई थी, नाश्ता साथ लाई थी? नहीं 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 नहीं। जवाब दो ना, नहीं नहीं नहीं। यार आप गुलकार है तो ये तो आप जानबूझ के कर रही है। मुझे गाने में बातें थोड़ी हो सकती। अच्छा बातें नहीं हो सकती, बातें नहीं हो सकती। चलो फिर क्या करें, बातें दो ऐसी सादे बातें कर लेते हैं। हाँ जी फरिया, आपको इतनी शोहरत मिली और वो भी पतंगबाज सजना से, तो ये गाना आपकी एक पहचान बन गया। कैसा लगता है जब हर छत पे बज रहा होता है और लोग इस पे पतंगे उड़ा रहे थे? आपने कभी सोचा था इस गाने का ये असर होगा? बहुत बहुत अच्छा लगता है उमर जी। है? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। हर छत पे मेरा गाना अगर बजेगा और उससे ऑफकोर्स मेरी पहचान थी पतंग, तो जमीन पे नहीं बज रहा वो? हाँ जी मैं क्या करूँ, क्योंकि वो फेस्टिवल होता ही छत पे। छत छत के जहन से गाया था? जहन आपका उस वक्त छतियाना था? छतियाना। हाँ जी मुझे पता हाँ। था मुझे पता था कि आपको पता था ये होगा इसका अंजाम। नहीं कि जाहिर रिलेटेड है छत से। तो ये छत पे जाएगा ये गाना? ये छत पे, ये गाना छत पे जाके रहेगा? ये बात नहीं आएगा। और चला गया, वो चला गया और इतना चला कि आप कोई छत उससे बची नहीं। लेकिन है बड़ा अच्छा फेस्टिवल, बिल्कुल बहुत खूबसूरत है, आसमान रंगों से भर जाता है, खुशियाँ और बहुत लोग एक दूसरे से, उस दिन बाज मोहल्ले वाले एक दूसरे के सामने भी आते हैं जो वैसे नहीं मिले होते, छतों में मिल जाते हैं। और की हाल है, और तुझे सुनाओ की हाल है सब, है कि नहीं? तो की हाल है मेरा साहब, कदों आए? बड़ा होता है। और अच्छा लोग जानबूझ के पतंगे भी कटवाते हैं जो छतों पे अच्छा माहौल होता है। जी 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 उनसे पतंगे भी कटवाते हैं जी। है ना, अपने खुद ही तोड़ देते हैं यहाँ से जी। छतों के ऊपर लड़कियां ज्यादा होती है, ये होता है ना। पता नहीं कितने लोगों की छतों में वाकफियत हुई होगी इस गाने की वजह से जी। है ना, कुछ रिश्ते भी बन गए होंगे, शादियां हो गई होंगी, हो सकता है हम कह नहीं सकते। बिल्कुल। तो खुद आप कितनी रोमांटिक हैं? रोमांटिक सही बताइएगा, जो इसमें इस शो में आप झूठ बोलेंगे ना, उस दिन झूठ बोला था गिटार वाला गिर गया था। ये सही बता रहा हूँ। अभी आपने कोई झूठ बात करी है कीबोर्ड वाला गिर पड़े। वैसे भी ऐसा बैठा हुआ था, मुझे ऐसा लगता है बच्चा तार पे बैठा हुआ है, ऐसे से हिलता रहता है। तो इसलिए आप जरा सोच समझ के बोलिएगा। कादवानी साहब के ऊपर भी झूठ बहुत असरअंदाज होता है। आपने इतना सा झूठ बोला, ये एकदम जो है ना बूढ़े बूढ़े नजर आने लगे, बूढ़े आदमी बैठे हैं, इन पे इफेक्ट होता है। मेरा जिस शोबे से ताल्लुक है मुझे ये हो नहीं सकता कि रोमांस मुझ में ना हो। होगा हाँ जी, वो मेरा ख्याल है मैं डर के थोड़ा सा उसको छुपा के। रोमांस से डर गई? इसमें भी एक हिम्मत चाहिए होती है कहीं, इसमें चाहिए ऐसे कादवानी साहब जैसा आदमी।
अच्छा, मोहब्बत कर धड़ल्ले से। इनके पास दो टेलीफोन है, एक डैशबोर्ड में, एक घर में है। डैशबोर्ड वालों पे गर्लफ्रेंड्स के फोन आते हैं। अच्छा। भाभी को नहीं पता बेचारियों को, इतनी सीधी है। डैशबोर्ड में भी इन्होंने कुंडे वाला तारा लगाया हुआ है, जो संदूक में नहीं लगता है वो लगाया। नहीं, मैं सिम निकाल लेता हूँ। सिम ही निकाल लेते हैं, वो तो निशानी कोई नहीं। कौन से ऐसे महीने में पैदा हुई जो इतनी रोमांटिक और इतनी सुर और इतना अट्रैक्शन आपको मिला? क्या महीना है? अगर हम भी अगली दफा पैदा हो तो उसी महीने में होगी। वैलेंटाइन डे वाले दिन पैदा हुई। वैलेंटाइन डे? नहीं 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 जी, उस दिन नहीं, बट द सेम मंथ, महीना हुई था, 2 फरवरी। फरवरी में हुई ना? फरवरी, ठीक है, सही है, फरवरी में ऐसे ही लोग होते हैं। फर्स्ट टू 14 तो वैसे ही वैलेंटाइन का असर होता है ना। क्यूरियस हैं आप? क्यूरियस? मैं क्यूरियस हूं। क्यूरियस हैं, देखा मैं। और आप? लियो। ओह, लियो। शेर। शेर, माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन शेर क्या आपने देखा है, वो जो प्रोग्राम चलते हैं उसमें देखा आपने शेर? हां हां बिल्कुल। सारा काम शेरनी भाभी करते हैं आपको पता है मुझे। लेकिन आप शेर क्या करते हैं घर में? लेकिन शेर का जो टैका होता है ना, टैका शेर का, बस फिर रहा है। पूरा शिकार भाभी कर रही है, वो साइड में लुक देता फिर। शेर है उसको कहते ना, शेर है उस्ताद, तू शेर है। जैसे सुल्तान दाई नहीं थे फिल्म में, गाना हो रहा है, अंजुमन नाच रही है, नीली नाच रही है, सायमा नाच रही है, वो बंदूक लेके चारों तरफ घूम रहे हैं। उन्होंने आज तक मुड़ के नहीं देखा कोई लड़की नाच रही है। कोई लड़की नाच रही हो तो इंसान कहीं और देख ही नहीं सकता। तब भी पौधों को देख रहे हैं, दरख्तों को देख रहे हैं, जड़े देख रहे हैं दरख्त की, मतलब उस लड़की को नहीं देख रहे जो नाच रही है। मेरा ख्याल है मेरा रोमांस भी कुछ इसी तरह का है। आपका राई साहब टाइप कर रहे हैं। राई साहब की तरह का आपका रोमांस है, मतलब जो बंदा आपसे रोमांस कर रहा है आप उसको देख ही नहीं रही। अच्छा, आपको डर लगता होगा कि आपके चेहरे पर रोमांस आ ना जाए? क्योंकि अगर आ गया तो फिर उसके लवाजमात बहुत है। और आ गया तो आपको छुपाना भी नहीं आता होगा? रोमांस छुपाना आता है, जैसे इस वक्त छुपा रही हैं आप मेरे। ऐसा आता है आपको? नहीं आता। रोमांस छुपता नहीं है। रोमांस नहीं छुपता भाई, ये आ जाएगा बाहर, बता रहा हूँ मैं। आ चुका है। आ चुका है। आपको लगा ना पता? जी बिल्कुल, मैं तो पास बैठा हूँ, मुझे पता है। आप तो बहुत करीब बैठे हुए हैं। अरे रात आ रहा है। जी बिल्कुल, लग रहा है आपको। क्या रोमांस की खुशबू आती है कुछ? क्या खुशबू खुशबू थी रोमांस की? बिल्कुल। क्या कैसे? रोमांस की एक अनोखी खुशबू है, यूनिक। यूनिक इनके दोस्त हैं जी हुमायूं सईद, वो हमें बेहतरीन तरीके बता के गए। अच्छा जी। लड़कियों के करीब होने के कैसे दिल जीता जाता है सारे उन्होंने बताया। उन्होंने हमें तमाम तरीके बताए, वो प्रोफेसर निकले इस काम के। अच्छा जी। ये भी उसी कॉलेज से डिग्री ली हुई है। नहीं, लेकिन उसकी डिग्री एडवांस है ज्यादा, मेरी ज्यादा एडवांस है, कंप्यूटराइज है इनकी जो है ना वो। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, आपने उसकी क्लास ठीक ठाक कर ली होगी, लेकिन उसने शायद आपको ये बताया या पता नहीं बताया कि जितना भी वो बड़ा प्रोफेसर हो, लेकिन भाभी जो है ना वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। भाभी तो उस कॉलेज की मालिक है। हाँ, मालिक है, जब वो प्रोफेसर है। जितना पढ़ ले, जितनी डिग्रियां ले ले भाभी, जब चाहे उसे नौकरी से निकाल। हाँ, एक सेकंड में। एक सेकंड लगेगा। भाभी असल में शेर नहीं है, वो भी लियो है। और ये भी लियो, आप भी लियो हैं। बिल्कुल, दोनों लियो हैं। वो शख्सियत भी लगता है कि काफी मैच होती है। हाँ। जैसे होता है ना, कई दफा ट्विन्स में होता है कि आपको पता नहीं चलता किससे मिला था मैं। मेरा भी क्यूरियस है ना। अच्छा, माशाल्लाह। मेरा क्या काम है बीच में? अच्छा, आप एक्वेरियस हैं? आप बीच में कोमा है। मैं भी क्यूरियस, ये भी क्यूरियस है। आप दो को हुई और मैं फर्स्ट को हुआ। अच्छा, वेरी गुड। यस, मैं फर्स्ट फरवरी को हुआ और आप दो को आई, बिल्कुल पीछे आई, एक दिन बाद ही आ गई। रहा नहीं गया इससे, आसमानों पर ही रहा गया। आप सोचे आप इससे कितना प्यार है। 2 फरवरी, 1 फरवरी, आसमानों पर नहीं रह सकी तनहा। देखिए क्या बात, वापस जमीन पे आ। असल में आपकी आमद जो थी ना, उसके इतने चर्चे थे कि जो ऊपर थे वो नीचे आ गए। नहीं, मैं इनसे बात कर रहा था जब मैं नीचे आया। अच्छा, ओके। एकदम इनके सामने आना तो ये पीछे ही आ गई पता करने। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? दो को आ गई। अच्छा, मेरे जैसी आदत है माशाल्लाह आपकी, होंगी डेफिनेटली। मैंने तो बड़े रोमांस किए मगर मैंने पता नहीं लगने दिया। ये इनकी
की ये इनका टैलेंट है जो मेरे में नहीं था, मैं वो टैलेंट, इतना टैलेंटेड नहीं था। अच्छा बताइए आपको क्या, आपके गाने में, आपकी एक्टिंग में, इसमें घर की तरफ से कोई जाहिर रुकावट तो हुई नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं थी, बल्कि आपको तो उन्होंने वो ज्यादा वो इनकरेज किया। बिल्कुल, मेरे वालिद ने मेरे लिए बहुत बड़ा स्टेप लिया, और जो उनके खानदान ने उनको गाने नहीं दिया था, उन्होंने कहा कि जब तुम गाती हो तो मुझे लगता है कि मेरी एक अनफुलफिल्ड डिजायर थी तुम, जो पूरी होती है, पूरी हो रही है जी तुम्हारी शक्ल में। ठीक है, उनको लगा कि जैसे मैं कंप्लीट हो गया हूं। बिल्कुल, और बाप का इतना बड़ा स्टेप उठाना अपनी औलाद बेटी के लिए, स्पेशली बेटी के लिए, वो बहुत मेजर, बहुत मेजर। लेकिन अगर वो इतना स्टेप नहीं उठाते हमें आज इतनी अच्छी फनकारा ना मिलती, तो हम आपके वालिद साहब के शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें फरिया दी है, बड़ी बात है। अच्छा फरिया, ये अमन की आशा का आपका क्या समझती है, फनकार मिलकर के किसी दो मुल्कों को एक कर सकते हैं? मेरा ख्याल है मुझे कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं, ये जो बात आपने की ना, अगर पॉलिटिकल टर्मोइल्स ना हो तो इंडिया पाकिस्तान अगर साथ काम करें तो बहुत फायदा है। साथ काम करें जी, अगर जॉइंट वेंचर्स हो उनके तो बहुत फायदा है। उसकी वजह ये है कि को-प्रोडक्शंस होती है, ये बात हकीकत है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि इंडिया जो है पूरी दुनिया में उसका एक एकेडमी वाला रोल है, इंस्टीट्यूशन वाला रोल है। तो अगर हमारे उनके साथ वेंचर्स होंगे तो हमें भी बहुत फायदा होगा, हमारे ट्रेड को बहुत फायदा होगा। हम लोग जो 1950 में फिल्में बनाते थे, 58 में, 60 में, 65 में, 68 और 71 72 तक हमारी फिल्में जो हैं वो इंडिया की मूवीज का मुकाबला करती रही है पाकिस्तान के अंदर। तो फिर उस वक्त हमारा इंस्टीट्यूट, हमने इंडिया से सीखा नहीं था, वो हमारा अपना था, बिल्कुल अपना, तो हमने अपने लोगों को लूज किया ना, उनसे नहीं सीखा। लेकिन देखें बात यह है कि जो गैप आ गया, अब उसमें जारी बात है कि उतने गैप को अगर आपने करीब करना है, बराबरी की सतह पर होना चाहिए ना, ये काम बराबरी की सतह पर होना चाहिए, बराबरी की सतह होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो हम उनके अंडर जाकर काम, नहीं नहीं वो तो करना नहीं चाहिए, नहीं करना, नहीं नहीं सवाल ही बराबरी की सतह, बराबरी की सतह पर जब भी काम होगा कामयाबी होगा। बराबरी क्या कहती है कि हर एक को उसका हक दो। बिल्कुल, हक क्या होता है कि चैनल कहता है मुझे इश्तेहार की जगह दो, बिल्कुल हम दे रहे हैं चैनल को एक और कमाई का मौका, चैनल कमाएगा तो हमें खिलाएगा। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, वापस आते हैं, फिर करते हैं गुफ्तगु इन दोनों से जो हमारे साथ बैठे हुए हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और ब्रेक से वापस आए हैं, फिर तशरीफ फरमा हमारे सामने, ब्यूटीफुल रोमांटिक इमोशनल सीरियस पतंगबाज सजना, सारी इनकी शख्सियत के रंग हैं, और कुछ रंग और भी इनके, फरिया परवेज यानी ग्रेट प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक्टर मिस्टर अब्दुल्ला कादवानी। कादवानी साहब, मैं आपसे चीज शुरू करूंगा, क्या आप समझते हैं जो अभी मीडिया के अंदर देख रहे हैं लोगों का, लोगों की परेशानियों का तो हमें भी एहसास है, आपको भी एहसास है, मगर मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या हमारा एहतजाज करने का ये ढंग जो है, ये जो हम एहतजाज कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर कीमतें गवर्नमेंट बढ़ा देती है सपोज किसी भी चीज़ की, एक्सोइजर्ट पेट्रोल हो गया, आटा हो गया, कोई और भी चीज़ हो गई, तो रिएक्ट जब हम करते हैं तो हम किसी आम आदमी की गाड़ी जला दें जो बेचारे ने पता नहीं कितनी मुश्किलों से ली होती है, क्या हमारा ये रिएक्शन बिल्कुल राइट है, या हम पब्लिक को हमें कोई और सुझाव देना चाहिए कि आप किसी और तरीके से रिएक्ट करें जैसे और ममालिक में होता है? तो आप ये इस वक्त की एक अहम बात है जो मैं कर रहा हूँ आपने, मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त वक्त की पल्स है वो पकड़ी है आपने, और ये इतनी अच्छी बात है कि जब आप एहतजाज कर रहे हैं और जिस चीज़ पे आप एहतजाज कर रहे हैं और जो तरीका आप अपना रहे हैं उससे आप नुकसान को कम नहीं कर रहे, आप बढ़ा रहे हैं, अपने ही किसी भाई का कर रहे हैं। बिल्कुल, तो उससे आज तक क्या किसी को फ़ायदा हुआ है? नो, अगर फ़ायदा नहीं हुआ है तो फिर क्या ये एहतजाज इसी तरह हम जारी रखेंगे और हम इसी तरह अपने आप को मजाक बनाएंगे दुनिया के सामने? ठीक है ना, क्योंकि देखें जब एक कोई भी, चाहे वो एक बंदा हो चाहे वो 10 लोग हो, जब इस किस्म की वो हरकत करते हैं तो एंड ऑफ द डे वो इमेज कंट्री पे रिफ्लेक्ट करता है कि शायद यहाँ पे काम कराने का तरीका ही एहतजाज है और किसी तरीके से हो नहीं सकता। कभी प्रेस क्लब के बाहर बैठ जाते हैं जाके, कभी कुछ कर जाते हैं। तो मैं ही समझता हूँ कि दोनों तरफ जो एक कम्युनिकेशन गैप है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब एहतजाज करें हम लोग, अगर हम लोग ये देखें कि हमारा एहतजाज रिकॉर्ड होना चाहिए और उसको रजिस्टर्ड होना चाहिए, बिल्कुल मीडिया के ऊपर, उसके ज्यादा इफेक्टिव तरीके हैं, इफेक्टिव तरीके हैं उसके, तरीके हैं उसके, जैसे दूसरे ममालिक में होता है किसी चीज की कीमत बढ़ा देते हैं वो लोग, वो लेना छोड़ देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल खाना छोड़ देते हैं उस चीज को, बिल्कुल कितने दिन ये जखीरा अंदोज ये महंगाई करने वाले, बिल्कुल कौन से स्टोरों में इतना सामान रखेंगे? बिल्कुल सही बात, खराब हो जाती है बहुत सी चीजें जो दो दिन के बाद नहीं कोई इस्तेमाल के काबिल रहती। बिल्कुल सही, तो फिर हमें चाहिए कि हम उनको इस तरीके से जो हमें डैमेज कर रहे हैं, हमें चाहिए हम इस तरीके से उनसे
वो लें बदला और कि हमारा मुल्क भी खराब ना हो, शहरियों का नुकसान भी ना हो और जो मुनाफा खो रहे हैं और जो इससे कमा रहे हैं उन्हें तबाही हो जाए। नहीं, और दूसरी बात यह है, अगर आप नोट कीजिए कि इस किस्म की जब भी चीजें होती हैं तो ऑपोजिशन की पार्टी जो है वो इसको ज्यादा बढ़ावा देती है, एक्सप्लॉइट करती है। सही बात। तो सामने क्या नजर नहीं आता कि जो ऑपोजिशन में बैठे हैं अगर वो उनकी पॉपुलैरिटी यही होती तो क्या वो ऑपोजिशन में बैठते? राइट। और वो ऑपोजिशन में अगर बैठे हैं तो क्या आपका वो मसला हल कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते, अपना मसला हल नहीं कर पा रहे हैं असेंबली में जाने का। तो अपना इतना बड़ा मसला है तो एक्सप्लॉइट क्यों होते हैं उनके हाथों? आप असेंबली में जाएंगे अगर भेजा जाए आपको? तो नहीं अमर जी, मैं तो हमेशा स्कूल वाली असेंबली में रोज खड़ी होती थी। ये वाली असेंबली में नहीं जाएंगे आप? नहीं अमर जी। अच्छी बताइए, बचपन में मैंने किसी ने मुझे बताया, एक हमारी मुखबर है प्रोग्राम की, उन्होंने बताया कि बचपन में आप बहुत मेकअप करके खुद ही दुल्हन बन जाती थी। हाँ जी। ऐसा करती थी? बड़ा शौक था उमर जी, मैं रोज स्कूल से आती थी और रोज दुल्हन बनती थी। और वो एक मेरा कपड़ों का एक ट्रंक था, वो मैं खोलती थी, उसमें से कपड़े हर वक्त यूं ही रहते थे कपड़े उसमें, और उसमें से एक गरारा और कुछ खींच के, और आप यकीन करें पता नहीं कितने कितने घंटे मैं वो पूरा घूंघट यहाँ तक डाल के और वो यूं करके इंतजार करती हूँ कि उठाने वाला आ जाए। ओहो, मैं समझ सकता हूँ इस कैफियत। और वो सोच रही है कोई उठा भी नहीं रहा है। बहुत छोटी थी मैं और छोटी तो और मशरकियत और वो सब जो ईस्टर्न जो मेरा ख्याल एक टिपिकल हमारी औरतों में होती है। अच्छा, उस वक्त दुल्हन इतनी तैयार भी नहीं होती थी जी, जो आज फैसिलिटीज हैं जी। आज तो जैसी भी औरत हो वो 5,000 में सही करके दे दें आप। जैसी भी औरतें लोग, लेकिन उस वक्त तो कोई मेकअप का तसव्वुर नहीं था। मटके का ठीकरा लेके ना उसको यूं करके वो लगा देते थे, वो लाल लाल से गाल हो जाते बेचारे, सिर्फ गाल लाल हुए हैं, बाकी सब आंखें मांगे वो अपनी इतनी मोटी मोटी भवें मानते बड़ी और आपस में मिली हुई। वो औरतें मैंने देखी है आपस में भवें मिली हुई, बीच में जुए यहाँ से घूम के जाती है, बीच में कोई बीच में यू टर्न नहीं था, ये बिल्कुल एक इतना लंबा चक्कर काट गया थी। जुए ऐसी औरतों के मुंह पे से आती थी, बच्चों से कहती तेरा पैर दबाना, कमबख्त मारी भावें भी नहीं बनाती तो बीच में से निकल जाती। वो दौर की औरत। वैसे एक बात हमारे आपस की बात है, मैं अल्लाह का शुक्र करता हूँ हम लोग औरत नहीं झंडर से बचे हुए बहुत। मैं भी यही बात सोचती हूँ कि मैं क्यों हूँ, बिकॉज बाकी बड़े झंझट, हम तो इसमें कुछ नहीं कर सकते। नहीं, हम इनकी मदद कर सकते, मेरे पे कोई जिम्मेदारी नहीं डालेगा। नहीं आप बिल्कुल, आप क्या मदद कर सकते? बिल्कुल क्या अगर ये नहीं प्लीज नहीं बाकी मैं आप अपने औरत होना से तंग है बड़े झंझट है। और फिर अगर आप शो बिजनेस की औरत है फिर तो आप बहुत बड़े मर गए भाई। क्या आपको क्या प्रॉब्लम्स आते हैं? क्या प्रॉब्लम? तैयारी, कपड़े, कपड़ों के साथ तो क्या मतलब आपने देखा हम लोग नंगे निकल जाते घर में? तैयार होते हैं, कपड़े पहनते हैं, कंघी करते हैं, कोई परफ्यूम लगाते हैं, कुछ करते हैं तो अपनी शक्ल सही करके बाहर निकलते हैं। नहीं, खवातीन के लवाजमात बहुत होते हैं ना। क्या वही है जो हम लोग? नहीं नहीं, बहुत वो वाले नहीं है। अच्छा, ब्लो ड्राई हो रहे हैं बाल, तो पता नहीं क्या, तो किस किस्म के मेकअप, घंटा देखिए ना, इनकी बेगम को भी 1.5 घंटा लगता है जब वो कहती है ना कि चलते हैं। हाँ बिल्कुल, 1.5 घंटा इनको पता है कि लगेगा, चलते के बाद लगते हैं जी जी जी, उससे पहले के घंटे फ्री है, जो जहाँ पे कमिटमेंट हो जाती है ना कि चलते हैं वहाँ से फिर 1.5 घंटा का होता है। बिल्कुल बिल्कुल शुरू होता है। अभी ये हुआ ना कि मुझसे कोई बड़ा इम्प्रेस हुआ, मैं कहीं अचानक उठ के मैंने कहा जी मुझे तो वहाँ इन्विटेशन थी तो मुझे जाना है, तो मैं ऐसे ही चलती हूँ, तो उस बंदे ने कहा कि वाह 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 आज तो आपने कमाल कर दिया, ये तो हो ही नहीं सकता कि दुनिया में औरत 1.5 घंटा ना लगाए जाने से पहले, और उसके चक्कर में आके मैं वैसे निकल गई उसके इस कमेंट पे। मैंने कहा यार ये तो अभी फॉरन मेरा इंप्रेशन खराब हो जाएगा। तो लोगों ने आपसे पूछा होगा फरिया नहीं आई? फरिया आई कि नहीं आई? लेकिन खौतरात वक्त आ गया है, छोड़ दे ब्रेक का, ब्रेक लेते वापस आके फिर इस दिलचस्प गुफ्तगू में शामिल होते हैं फरिया और अब्दुल्ला कादवानी के साथ।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जैसा कि हमने कहा आपसे कि गुफ्तगू कर रहे थे हम फरिया से। फरिया, एल्बम्स कितने कर लिए आपने अब तक, ऑडियो वीडियो? क्या एल्बम से पहला कौन सा एल्बम था? सबसे पहला था जी नाइस एंड नॉटी। नाइस एंड नॉटी जी। वाह, तो सीधा सीधा आपकी तरफ इशारा जी। नाइस एंड नॉटी। 40, यू आर 40? यस देन यू आर नॉटी। अच्छा, इसमें दो हम दोनों इसमें मौजूद है, पता क्या? नाइस एंड नॉटी। लेकिन बंदा अगर 40 का हो और मैन एट 40 इज नॉटी, तो उसमें बंदे का कसूर कोई नहीं होता। 40 का कसूर है क्योंकि 15-20 साल हो चुके हैं शादी को और बीवी से बंदा आजीद आ चुका होता है, डिप्रेशन का शिकार होता है, तो फिर उसका नॉटी होना बनता है। वैसे भी यार, वैसे एक बात है, निकाह नामे में डलवा दो भाई, 40 के बाद ये नॉटी होगा। आपको मंजूर है? आपको मंजूर है? हाँ भाई, ठीक है, ऑप्शन होना चाहिए। कोई ब्रीदिंग स्पेस भी चाहिए ना। हाँ चाहिए ना, कुछ तो होना चाहिए। ये काफी मिलाया है 40 से नॉटी, बंदा वैसे ही हमेशा से ही नॉटी होता है। 40 में ज्यादा नॉटी होता है, लाइसेंस आ जाता है और नॉटी होने का। मेरे प्रोड्यूसर को ये लगा कि शायद मैं नाइस भी हूँ, मैं नॉटी भी हूँ, शायद उन्होंने इसलिए नाम रख दिया। आपको इसलिए नाम रखा गया जी। अच्छा ये बताइए, खाने वाने बना लेती है जो शादी के बाद की रिस्पांसिबिलिटीज है हल्की फुल्की? बहुत ज्यादा, माई लव कुकिंग उमर जी, मुझे खाने पकाने का बहुत शौक। मैं तो कभी भी आपके हाथ का कुछ भी नहीं खाया। हाँ जी, आपने जब खिलाया मुझे तैयार बिस्किट कंपनी के, कभी भी आपने बिस्किट, आप खुद भी बिस्किट खाते रहते हैं? हाँ जी। तो कब पकाती हैं और कब खाती हैं आप? जब मैं फारिग होती हूँ, मेरा बेस्ट टाइम पास जो है वो कुकिंग है, पेरेंट्स हैं, फैमिली है, सोशलाइजिंग है, फ्रेंड्स हैं, जो बड़ा मजा आता है उनके साथ। इनके साथ वक्त गुजारने में जी, फैमिली के साथ वक्त गुजारना चाहिए, गुजारना चाहिए। लेकिन इनका फलसफा कुछ और, ये कहते हैं किसी और की फैमिली के साथ वक्त गुजारना। नहीं 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 नहीं, मैं तो शोबिज में अच्छा, जितना फैमिली मैन मैं मशहूर हूँ, कोई और है नहीं। कोई हो चक्कर दे गया ना आप तो। चक्कर दे के, लेकिन हूँ तो सही ना, अपनी फैमिली को टाइम देता हूँ। अपनी फैमिली को टाइम देता हूँ माशाल्लाह। मैं जितने फैमिली इवेंट्स को एंजॉय करता हूँ, जितने मैं फैमिली इवेंट्स ऑर्गेनाइज करता हूँ और जितना मैं टाइम देता हूँ, I'm really very very fortunate and very lucky. हाँ, नहीं फरिया को सुना आपने? Yeah, she's one of my favorite singers. बहुत पसंद है मुझे। बहुत पसंद है? बिल्कुल। अच्छी लगती है आपको? बहुत। आवाज या फरिया? आवाज भी और फरिया भी है। फरिया और फरिया की आवाज भी आपको अच्छी? जी, फरिया और फरिया की आवाज। आवाज फरिया, आपकी आवाज वाकई में जरा एक जिसे कहते हैं ना सॉफ्ट वॉइस, सॉफ्ट है, धीमी सुरीली,